हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिल विद गिल्स। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज हक्का नूडल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हक्का नूडल्स के इंग्रेडिएंट्स। पहले मैंने लिया 400 ग्राम के आसपास नूडल्स। मैंने लॉन्ग एंजल हेयर पास्ता यूज़ किया है और कोई भी कलर की एक बेल पेपर ले सकते हो। मैंने तीन कलर्स लिए हैं, थोड़े थोड़े। वन कैरेट लंबी लंबी कटी हुई, वन स्प्रिंग अनियन इंक्लूडिंग द स्प्रिंग अनियन बीन्स, और हाफ कैबेज कटी हुई, वन टीस्पून ब्लैक पेपर, सोया सॉस वन टेबलस्पून, हॉट चिली सॉस, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हो, और ऑयल 1 to 2 tablespoons, 1 teaspoon सॉल्ट फॉर बॉइलिंग द पास्ता, 1 tablespoon नमक फॉर द एक्चुअल नूडल्स जो हम बनाएंगे, 1 tablespoon गार्लिक, मैंने 6 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, और 1 tablespoon शुगर। तो पहले हम अपने पास्ता को बॉईल कर लेंगे। और मैंने यहाँ लिया है पानी अपने नूडल्स को बॉईल करने के लिए। अब मैं गैस ऑन कर दूँगी और उसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, फिर ऑयल, और इसे हम बॉईल होने देंगे। फिर जब एक बॉईल आ जाएगा फिर हम अपना नूडल्स डालेंगे इसमें। अब हमारा पानी जो है वो बॉयल हो गया है, तो अब हम अपने नूडल्स डालेंगे इसमें। मैं तोड़ कर ही डालूंगी क्योंकि जब ये कुक होते हैं तो बहुत लंबे हो जाते हैं। और याद रखें कि इसे ओवर कुक ना करें क्योंकि फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हमारे नूडल्स बॉईल हो गए हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। अब हम इन्हें ठंडे पानी से धो लेंगे कि ये फिर चिपके ना। अब हम इसका एक्सेस पानी जो है वो निचड़ने देंगे, फिर हम बनाएंगे अपने नूडल्स। तो एक्सेस वाटर जो है वो निकल गया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे कि जब ये ठंडे हो जाएंगे तब ये चिपकेंगे नहीं। अब हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ऑयल को। मैंने यहाँ एक आयरन की जो कढ़ाई होती है वो ले ली है। अगर आपके पास चाइनीज़ वॉक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक गैस है इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर सकती। तो पहले हम डालेंगे ऑयल। 1 tablespoon के आसपास मैंने ऑयल डाला है। इसे अब गर्म होने देंगे, फिर हम डालेंगे गार्लिक। अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है। मैंने यहाँ 6 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के, वो हम डाल देंगे। मैं इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट रोस्ट होने देंगे कि इसका टेस्ट जो है वो चला जाए। तो हमने ये इसे सॉटे कर लिया अच्छे से अपना गार्लिक जो है। अब हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट। अब इसे हमने सॉटे कर लिया है, अब हम अपने वेजिटेबल्स डाल देंगे। और साथ में ही हम डाल देंगे चीनी जो हमने 1 teaspoon ली थी।
अब इन्हें अच्छे से हिला लेंगे और हम साथ ही में डाल देंगे नमक और ब्लैक पेपर। क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर डाल देंगे अराउंड 1 टीस्पून। इन्हें 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे, लेकिन ये क्रंची अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा भी ना पकाएं। तो हमने इसे सॉटे कर लिया है 3 से 4 मिनट। अब हम डालेंगे अपनी सॉसेस। मैंने हॉट चिल्ली सॉस और सोया सॉस 1-1 टेबलस्पून मिक्स कर लिया है। अब मैं दोनों इसमें डाल दूँगी। आप हॉट चिल्ली सॉस कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हॉट चिल्ली सॉस कम ही डालें तो अच्छा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने सॉसेस को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने नूडल्स डाल दूँगी थोड़े थोड़े करके। ये चिपके नहीं इसीलिए कि हमने तेल जो है वो डाल दिया था। थोड़े थोड़े करके मिक्स करेंगे इसमें। अब मैं टमाटो सॉस डाल दूँगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अपनी टमाटो सॉस भी अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम डालेंगे विनेगर। वाइट विनेगर लिया है 1 टीस्पून। इससे थोड़ा खट्टा टेस्ट आ जाता है और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसे। तो चलो इसे डिश आउट करते हैं। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। बिल्कुल ही बाजार जैसे लग रहे हैं। इसे आप पार्टीज में भी सर्व कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ खाएं और मजे करें। अब हम इसे गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ। देखो कितने यम्मी लग रहे हैं, मेरे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप पार्टीज में बनाएं, अपने फैमिली के साथ खाएं और मज़े करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे इस रेसिपी के लिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उन्हें ज़रूर आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने यम्मी बने थे हमारे वेज हाक्का नूडल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल ग्रिल विद गिल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।